हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, रेलवे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। साइंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, स्पेशली जो एग्ज़ाम्स में ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे शामिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आज अपन बात करने वाले सेट नंबर 200, सेट नंबर 11 की आज अपन बात करेंगे। ओके, जितने भी क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एग्जाम से पहले जरूर रिवीजन मान लीजिएगा इनको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साइंस के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को अपन कवर कर लेंगे, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, चाहे आपके बाइलिंगुअल हो, सिंगल लिंगुअल हो, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हो या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो, उन सभी क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आई थिंक 10 सेट आप लोग देख चुके हो। 10 सेट के अंदर अपन कितने क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं? 820 क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अपन शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 821 से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा नहीं किया है तो। ओके, फटाफट जुड़ जाएगा। और डेली बेसिस पे क्विज का टाइमिंग है अपना सुबह मॉर्निंग में 7:15 AM। जनरल साइंस 5000 प्लस MCQ। इसी प्रकार से GK को अपन कर रहे हैं 10000, वो है अपना 9 बजे। तो ये दो क्विज चल रही है अपनी बराबर, तो उनका थोड़ा टाइमिंग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे चलो अपन शुरुआत कर लेते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। सब कुछ सही चल रहा है। देखिए, ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा मोलस्क संघ का एकमात्र उदाहरण है। देखिएगा, मोलस्क संघ का पूछा गया है। मोलस्क की अपन बात करें तो समुद्री जीवों के अंदर, समुद्री जीवों के अंदर या जलीय जीवों के अंदर सबसे बड़ा संघ है। जलीय जीवों के अंदर सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आंसर बनेगा आपका मोलस्क। और वैसे आपका सबसे बड़ा संघ कौन सा है? वैसे आपका आर्थ्रोपोडा आपका सबसे बड़ा संघ है। आई थिंक ये दोनों चीज़ें आप लोगों को पता होगी अच्छे से। अब यहाँ पे पूछा गया है मोलस्क संघ, तो मोलस्क संघ अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा जो जलीय जीव की कैटेगरी में आता है। टिड्डी आएगा, तितली आएगा, बिच्छू आएगा या ऑक्टोपस आएगा, जो जलीय जीव की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑक्टोपस। एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा गया है रेलवे एग्जाम के अंदर, स्पेशली ऑक्टोपस होता है उसके ब्लड का रंग कैसे होता है? तो ऑक्टोपस के ब्लड का रंग होता है नीला होता है। इसको ऑक्टोपस क्यों किया गया? क्योंकि इसके अंदर 8 इसके पैर होते हैं। ओके, ऑक्ट यानी 8। तो ये क्वेश्चन बकायदा एग्जाम में पूछा गया है, ऑक्टोपस के ब्लड का कलर कैसा होता है? तो आंसर बन जाएगा नीला। मोलस्क संघ का एकमात्र एग्जाम्पल है, तो आंसर बनेगा इसका ऑक्टोपस। आगे का आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती है, कोई भी सरल रेखा है उसके अनुदिश यदि चाल आपकी परिवर्तित हो रही है, तो उस वस्तु की चाल को क्या कहते हैं? ओके, चेंजिंग इट्स मोशन, उसका मोशन चेंज हो रहा है, तो इस प्रकार की चाल आपकी क्या कहलाएगी? यहाँ पे आपका आंसर बनेगा नॉन यूनिफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि मोशन आपका चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म के साथ में। देखिए, ऑप्शन में से बताना है कि ऐसे पदार्थ जो घर्षण को कम करते हैं क्या कहलाता है? घर्षण है वो आपका एक प्रकार का फोर्स ही होता है। और फोर्स की अपन बात करें तो हमेशा फोर्स के लिए हमेशा आपको दो ऑब्जेक्ट चाहिए, दो सरफेस चाहिए। ओके, एग्जाम में बाकायदा पूछा गया क्वेश्चन है कि किसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उस चीज़ के लिए आपका आंसर बनेगा बल है, फोर्स है, उसको हमेशा दो कॉन्टैक्ट सरफेस की आवश्यकता होती है। हमेशा प्रकृति में अकेला नहीं पाया जाता। रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा जो प्रकृति में अकेला नहीं पाया जाता, तो उसका आंसर था बल, क्योंकि फोर्स लगने के लिए दो सरफेस की जरूरत होती है। इसी प्रकार जो घर्षण को कम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं, स्नेक कहते हैं। लुब्रिकेंट्स की बात करें तो जैसे कि आपका ऑयल हो गया, ऑयल आपका एक प्रकार के लुब्रिकेंट्स का काम करता है, जो आपका फ्रिक्शन को कम करता है दो सरफेस के बीच में। आंसर बनेंगे यहाँ पे लुब्रिकेंट्स। यहाँ पे क्या निकल के आएगा? यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड को अपन जल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को क्या देखने को मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि मैं जल के साथ में रिएक्शन करूँ तो मेरे पास में आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बोले तो MgOH का होल ट्वाइस मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, ऑप्शन में से बताना कि उसमें मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू, उसमें मान को अपन किस में रिप्रेजेंट करेंगे? देखिएगा, कैलोरीफिक वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करती है, ऊष्मा होती है, ऊष्मा को अपन जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना, अपनी ऊष्मा है, ऊष्मा का मात्रक आपका जूल होता है। अब यहाँ पे जो ऊष्मीय मान है उसको अपन किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे? कितना पदार्थ जलाने से आपको कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किलो जूल पर किग्रा। ओके, एक किग्रा आप कोई भी प्रोडक्ट यूज ले रहे हो तो जो उत्पन्न ऊष्मा आप उससे प्राप्त करते हो वो किलो जूल है। तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, ऊष्मीय मान है, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किलो जूल पर किग्रा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी, किलो जूल पर किग्रा।
आगे का क्वेश्चन आपका कि जो स्पेस पेन है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया। स्पेस पेन का आविष्कार करता कौन है? यहाँ पे आंसर बनेगा आपका फिशर, पॉल सी फिशर। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा, पॉल सी फिशर। हिमादा जी वेरी गुड मॉर्निंग, पॉल सी फिशर। ओके, रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कार्ड। टेस्टिस कहाँ पर रहते हैं? तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका स्कॉटम के साथ में, ऑप्शन नंबर बी वृषण कोश, स्कॉटम आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा शैवाल के तीन प्रमुख वर्गों में से नहीं है? थ्री मेन क्लासेज ऑफ एल्गी। शैवाल के आपके जो टाइप्स हैं यहाँ पे तीन टाइप्स आपको दिए गए मिलेंगे, कौन सा शैवाल के तीन टाइप में से नहीं है? शैवाल की बात करें तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। रविराज जी चारू 44 वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम। अगर शैवाल की बात करें तो यहाँ के शैवाल के तीन टाइप्स कौन कौन से हो गए देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपके आंसर जाने वाले हैं क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। क्लोरो, रोडो, फाइसी, ये तीनों के तीनों आपके शैवाल की तीन अलग अलग क्लास है, याद हो जाएगी। क्लोरो, रोडो और फाइसी। शैवालों का अध्ययन किसके अंदर आता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंदर, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे तीनों टर्म्स याद हो जाएगी बिल्कुल। हर हर महादेव, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी तीनों आपके शैवालों की तीन अलग अलग क्लास है। ये जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये पौधों के टाइप है, आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी उनको बोलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, साइपा को अपन साइकोन बोलते हैं, और आपकी जो स्वच्छ जलीय स्पंज होता है उसको अपन बोलते हैं स्पंजिला, और आपका जो बाथ स्पंज है उसको अपन बोलते हैं यूस्पंजिया। ये तीन आपको बताना कि तीनों के तीनों कौन से संघ के एग्जाम्पल है। देखिए ऑप्शन में से कौन से संघ के एग्जाम्पल हैं, साइकन, स्पंजिला और यूस्पंजिया, तीनों कौन से संघ के एग्जाम्पल बनेंगे? ऑप्शन सिलेंड्रेटा, ऑप्शन प्लैटिहेलमिंथस, टिनाफोर एंड पेरिफेरा। साइफा जलीय स्पंज, बाथ स्पंज, ये सब किसके एग्जाम्पल है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे पेरिफेरा, पोरिफेरा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति, आप बल इधर लगा रहे हो और मोशन आपका इधर हो रहा है, बल इधर लगा रहे हो गति इधर हो रही है, तो वास्तु की गति क्या होगी? वास्तु की गति बढ़ेगी, रुकेगी, कम हो जाएगी, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? आंसर दिख नहीं रहा, इसका आंसर हमेशा ध्यान में रखना है आपको, कम हो जाती है। ओके, तो इधर फोर्स है, इधर आपका मोशन है, तो आपकी जो डायरेक्शन है वो ये जो स्पीड है कम हो जाएगी। और यदि आपका इधर आपने ऐप लगाया उतना ही इधर ऐप लग गया आपका अपोजिट, तो वस्तु आपकी रुक जाएगी, नो मोशन। इधर भी आपका फोर्स 5 न्यूटन है, इधर भी आपका 5 न्यूटन लग रहा है, तो किसी भी प्रकार का मोशन नहीं होगा, उस कंडीशन में आपकी रुक जाएगी। आगे का क्वेश्चन आपका अच्छा डिक्रीज होगी। आगे का क्वेश्चन आपका कि त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या है? आई थिंक ये तो याद हो जाएगा, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। गति के पहले नियम से अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं, v बराबर u प्लस at, या अपने इसको सिंपल सा कह सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर त्वरण। तो इसका आंसर बन जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, ये आपकी एक सदिश राशि है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका राइट आंसर बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, यह है सेकंड पर मीटर स्क्वायर, देखिएगा मिलता जुलता ऑप्शन है थोड़ा सा टिल्ट करके, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, और डायमेंशन लिखना भी आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो m0 l1 t -2, सेकंड स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाके -2 हो गया, क्लियर है? ये डायमेंशन हो जाएगी त्वरण की। अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, ऑप्शन में से कार्बन मोनो, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। अग्निशामकों में से कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और जो बिजली से आग लगती है तो उसमें अपन काम में लेते हैं पायरीन अग्निशामक। बिजली से आग लगती है उसे बुझाने के लिए अपन काम में लेते हैं पायरीन अग्निशामक। मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम को जलाएंगे, जलाएंगे तो वातावरण में ऑक्सीजन होगी, तो देखिए ऑप्शन में से आपको MgO देखने को मिलेगा। ओके, इधर 2 2, तो मैग्नीशियम ये क्या है आपका? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके,
अच्छा, बाकी ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में भस्म। बेकिंग सोडा नहीं बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा, सिरका नहीं बनेगा, यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका भस्म। मैग्नीशियम को अपन जलाएंगे तो अपने पास में भस्म प्राप्त होगी। ओके, देखिए ऑप्शन में से यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है ना कि CO2। कैल्शियम कार्बोनेट अपन बोलते हैं CaCO3 को, बेकिंग सोडा अपन बोलते हैं NaHCO3 को, विनेगर में अपन काम में लेते हैं क्या एसिटिक एसिड काम में लेते हैं CH3COH। अगला क्वेश्चन आपका है कि लवण की सांद्रता प्रति हजार भाग में लवणता के रूप में मापी गई। देखिए लवण की सांद्रता क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, सांद्रता की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे कि आपके पास में पर हजार के अंदर कितनी लवणता आ रही है, 1000 भाग के अंदर कितनी लवणता आ रही है वो कहलाती है लवणीय सांद्रता। ये तो डेफिनेशन है इसकी। लवण की सांद्रता अतः स्थलीय जल में परसेंट से कम होती है, कौन से जल के अंदर, इन लैंड वाटर के अंदर। द साल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन इन लैंड वाटर, इन लैंड वाटर के अंदर कितने परसेंट से कम होती है लवण की सांद्रता, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका 5% से कम होती है, 5%। फोटोन के खोजकर्ता कौन है, फोटोन किसके द्वारा खोज की गई। फोटोन अपन जैसे कि सूर्य से प्रकाश आता है जो एनर्जी निकलती है, E=hμ के द्वारा अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, E=hμ, ये जो फोटोन है इसके खोजकर्ता कौन है, ऑप्शन है क्रम, आइंस्टीन, कैवेंडिश, हम्फ्रे डेवी। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। देखिएगा, एक तो E=mc² होता है, एक Energy=hμ, ये फोटोन एनर्जी आपकी कहलाती है। ओके, और ये किसने दिया था, ये आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। हेनरिक कैवेंडिश ने किसकी खोज की थी, हाइड्रोजन की खोज की गई थी हेनरिक कैवेंडिश के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका कि जो भी बहुकोशी के जीव है वो किसके द्वारा वृद्धि करते हैं। मीठा नहीं होगा, लवणीय पानी होगा वो भी। बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं, ए मल्टी सेलुलर इनलैंड जिसको बोलते हैं, जो जैसे कि आपकी चारों तरफ जमीन है उसके बीच में कोई पानी है, मतलब लैंड से घिरा हुआ, जमीन से घिरा हुआ, जहाँ पे भी कलेक्टेड पानी है। बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर क्या एडिशन करेंगे, एक्सप्लोजन करेंगे, इम्प्लोजन करेंगे या डिवीजन करेंगे, तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका सेल डिवीजन के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी, सेल डिवीजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका, पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा है, मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज दी, क्या आंसर बनेगा। अजय कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑप्शन यहाँ पे है जुस्पोर, आंसर यह बन जाएगा। देखिए ऑप्शन में से, तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, पुंकेसर स्टेमन। ओके, और ये हो जाएगा स्त्री केसर पिस्टल फीमेल पार्ट। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राणी में जैसे कि एनेलिड हो गया, मोलस्का हो गया, ये सब अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं, प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है, इस तरह की संरचना किसके स्तर का संगठन कहलाती है। इन एनिमल्स लाइक एनेलिडा मोलस्का, इनके अंदर क्या होगा, चाहे एनिलिडा हो मोलस्का हो, इन जैसे प्राणियों के अंदर ऑर्गन्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, कोई भी कार्य करने के लिए एसोसिएटेड होते हैं। ईच सिस्टम कंसर्न विद ए स्पेसिफाइड साइकोलॉजिकल फंक्शन, दिस पैटर्न इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, अंग तंत्र कहलाएगा, खुला तंत्र कहलाएगा, बंद कहलाएगा या प्रगुआ। पहले तो यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार के अंग ऑर्गेन्स की बात, किस प्रकार के जानवरों की बात हो रही है, एनिलिडा और मोलस्का की बात हो रही है। एनिलिडा और मोलस्का के अंदर जो भी इनका अंग है वो किस प्रकार से कार्य करता है, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है, इनका होता है अंग तंत्र। क्वेश्चन को समझिएगा पहले क्या कह रहे हैं, प्राणी में जैसे एनिलिडा मोलस्का के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं, प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है, इस तरह की संरचना किसके स्तर को संगठन कहा जाता है, तो इस तरह की संरचना है अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। संपर्क बल जिसको अपन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, वो भी उसको अपन कौन सा बल बोल सकते हैं, दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स इज अनदर नेम ऑफ विस टाइप ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स इज अनदर नेम फ्रिक्शन का, मैग्नेटिक फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या पेशीय बल का,
यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक के साथ में। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ये भी प्रकृति में अकेला नहीं पाया जाएगा, दो सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट होगा, इसको अपन फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। प्रकृति में आपका जो सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है, सबसे स्ट्रांग फोर्स को बोलते हैं अपन न्यूक्लियर फोर्स। जो नाभिक के अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन के अंदर पाया जाता है उसको अपन सबसे स्ट्रांग बोलते हैं। और सबसे वीक फोर्स होता है आपका यहाँ पे ग्रेविटी। दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है, यदि घर्षण बल कब बढ़ेगा, कौन सी कंडीशन में घर्षण बल बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स कब बढ़ेगा, जब दो पृष्ठों के बीच स्नेह की परत लगाई गई हो, जब दो सरफेस के बीच में आपने कोई भी लुब्रिकेंट लगा दिया है, जैसे कि ऑयल आपने लगा दिया है, तो क्या फ्रिक्शन बढ़ेगा, या दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए, दो सरफेस को अपन प्रेस करें, दो पृष्ठों के बीच हवा का अंतराल रखा जाए, लुब्रिकेंट के बजाय इनके बीच में एयर रख दे अपन, या दोनों सतहों की अनियमितता को हटा दिया जाए, इरेगुलरिटीज ऑन बोथ द सरफेस आर रिमूव्ड। दो सतहों के बीच वाला घर्षण बल बढ़ता है, बताइएगा देखें क्या आंसर दोगे इस क्वेश्चन के, घर्षण बल कब बढ़ेगा, कौन सी कंडीशन में घर्षण बल बढ़ेगा, तो इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन में आप समझ नहीं पाए हो क्वेश्चन को, यहाँ पे जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए। देखिएगा यहाँ पे आपने लुब्रिकेंट लगा दिया, बोले तो ऑयल आप लगा रहे हो, इसका मतलब है उनका घर्षण कम हो जाएगा, बिल्कुल चिकनी सरफेस बन जाएगी, तो घर्षण कम हो जाएगा, यहाँ पे कम होगा। दो पृष्ठों के बीच हवा का अंतर रखा जाए, हवा रख दोगे तो सरफेस कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही है आपकी। दोनों सतहों की अनियमितता को हटा दिया जाए, देखिएगा यहाँ पे इरेगुलरिटीज को हटा दिया जा रहा है, इरेगुलरिटीज का मतलब समझिएगा कोई रफ सरफेस है, उबड़ खाबड़ सरफेस है, उनको आप हटा के बिल्कुल क्लीन कर रहे हो, ओके, तभी आपका घर्षण कम होगा। यदि इरेगुलर है तो इसका मतलब घर्षण ज़्यादा है वहाँ पे, ओके, इरेगुलर है तो घर्षण ज़्यादा है, इरेगुलरिटी को आप हटा रहे हो, रफ सरफेस को आप हटा रहे हो, तब आपका घर्षण कम हो जाता है, ये भी नहीं होगा। आंसर बी, दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ए चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड, जिसमें किसी भी पदार्थ का नया पदार्थ नहीं बनता वह क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जंग लगना, या गैल्वेनाइजेशन, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसमें ओनली अवस्था चेंज होती है, पदार्थ वही रहता है आपका, पदार्थ की प्रॉपर्टीज वही रहती है, भौतिक परिवर्तन, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, पदार्थ तो वही रहता है, ओनली अवस्था चेंज हो जाती है, ओके, तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक के साथ में भौतिक परिवर्तन, जैसे कि बर्फ, पानी, गैस। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है, अंशराजी साफ नहीं दिख रहे हैं, पिक्सल बढ़ा के कोशिश कीजिएगा, देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन से पेपर में से अपने पेस्ट कर रखा है, इस वजह से थोड़ा सा धुंधा आपको दिख सकता है। धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो आंसर कहलाएगा यहाँ पर तन्यता, डक्टिलिटी। देखिएगा मिलते जुलते ऑप्शन है दो यहाँ पे, मेलेबिलिटी, ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ में नहीं होगा। धातुओं की वह प्रॉपर्टी जिन्हें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है वो कहलाती है यहाँ पर डक्टिलिटी। और मेलेबिलिटी कब होगा, जब आपके पास में कोई भी मेटल शीट है उसको पीट 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 कर आप एक परत में बदल रहे हो, तब वहाँ पे प्रॉपर्टी काम आती है आपकी, मेलेबिलिटी, आघात वर्धी नहीं होता, ओके। 360 पिक्सल कर लीजिएगा, आई थिंक अच्छे से दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि दी गई अवधि समष्टि में होने वाले मौतों की संख्या है, विच इज, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। आपको कोई भी समय दिया हुआ है, एक महीना, एक साल, एक वर्ष, उसके अंदर जो भी मौतों की संख्या होती है उसको अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर बनेगा यहाँ पे मृत्यु दर के रूप में अपन रिप्रेजेंट करते हैं, मोर्टेलिटी के रूप में। आगे का क्वेश्चन आपका कि जो सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम है, संचारित प्रणाली है, इसकी खोज किसने की, या सिंपल सी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन और लिख लीजिएगा, पांच नंबर ऑप्शन और लिख लीजिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर, ओके, एक ऑप्शन और लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा विलियम हार्वे, ध्यान देना है आपका जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो विलियम हार्वे ने दिया था, और आपका जो ब्लड ग्रुप है ए बी ए बी ओ, ये दिया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को किस प्रकार का परावर्तन कहते हैं, बिल्कुल चिकने पृष्ठ से यदि कोई परावर्तन होता है, बहुत ही चिकने पृष्ठ से यदि कोई परावर्तन होता है तो ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है, बहुत ही चिकनी पृष्ठ है तो इरेगुलर नहीं हो सकता, विस्तृत नहीं हो सकता, फ्यूज्ड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका रेगुलर परावर्तन। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, तो ये तो सभी को पता है,
प्रतिरोध को अपन ओम में मेजर करते हैं, फेरेड आपका कैपेसिटेंस होता है, हेनरी आपकी कॉइल होती है, वेबर आपका फ्लक्स हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर एक के साथ में ओम, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अब तक बताया नहीं है आपको आर के ऊपर आधारित क्वेश्चन, आर टी इक्वल टू आर जीरो इंटू वन माइनस एल्फा इंटू डेल टी, ये एक प्रकार से यहाँ पे न्यूमेरिकल आ सकता है। कोई भी टी टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टेंस पूछ लेंगे आपसे, जीरो डिग्री पे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई होगी, एल्फा आपसे कोफिशियंट दिया हुआ होगा, डेल्टी आपको टेम्परेचर का डिफरेंस ज्ञात करना है। जैसे कि जीरो का दे रखा है और आपसे 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछ रहा है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15। ओके, तो एक यहाँ पे एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान रखना। निम्न में से सूर्य और पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है, सूर्य और पृथ्वी से विकिरित, सूर्य से और पृथ्वी से कोई ऊष्मा आ रही है तो उसका अवशोषण करना है तो अपने लिए क्या आवश्यक है। बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण करने के लिए अपने को चाहिए ग्रीन हाउस गैस, CO2 आपका राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन मोनो नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, CO2। निम्न में से किसके मध्य सिनेप्सिस गैप उपस्थित होते हैं, सिनेप्सिस गैप के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है एक से दूसरे के बीच में, तो एक किडनी से दूसरी किडनी या मस्तिष्क और मेरुरज्जु, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका दो न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर है दो न्यूरॉन। ओके, सिनेप्सिस गैप आपके कहाँ पे स्थित होते हैं, तो आंसर बनेगा दो न्यूरॉन के बीच में स्थित होते हैं और किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं, डेंड्राइट्स के द्वारा। डेंड्राइट्स हो गया, एक्सन हो गया, ये सब आपके पाए जाते हैं न्यूरॉन के अंदर। संगमरमर चट्टानें किस श्रेणी में आती है, आपका जो भी मार्बल है वो किस कैटेगरी में आता है, मार्बल का कैंसर, मार्बल धीरे धीरे नष्ट होता है आपका किसकी वजह से होता है, एसिड रेन की वजह से होता है, अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का मिश्रण होती है। आंसर बन जाएगा यहाँ पे कायंत्रित, मार्बल का पूछा गया यहाँ पे तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका मेटामॉर्फिक या कायंत्रित चट्टानों का एग्जाम्पल है संगमरमर। कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं, विच ऑर्गन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स विच आर कॉल्ड एज विली या सिंगुलर विलीज, जिन्हें अपन दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं, किसके ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ होता है अंगुली समान, तो वो होती है छोटी हाथ के ऊपर होती है, छोटी हाथ की लंबाई 6.5 मीटर होती है, कंप्लीट भोजन का अवशोषण होता है छोटी हाथ के अंदर। देखिए ऑप्शन में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि कौन सी नहीं है, देखिएगा एक्सीलरेशन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है, देखिएगा फोर्स, वेलोसिटी, विद्युत धारा, तो यहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ में विद्युत धारा। विद्युत धारा आपकी सदिश राशि नहीं है, इसके अंदर परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, लेकिन सदिश के नियम को फॉलो नहीं करता, ये आपका विद्युत धारा आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया, क्योटो आपका जापान में स्थित है, क्योटो जापान में स्थित है और ग्रीन हाउस गैसेज से संबंधित है आपका, ग्रीन हाउस गैसेज से संबंधित है, यहाँ पे आंसर बनेगा इसका 2005, 2005 में आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी लाया जाता है 2005। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की, मलेरिया किसकी वजह से फैलता है, मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है मलेरिया। ओके, इस प्रोटोजोआ को कैरी कौन करता है, वाहक कौन है इसका, तो इसका वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। ओके, और मलेरिया से जो औषधि प्राप्त होती है वो सिनकोना से प्राप्त होती है। ओके, और मलेरिया के लिए जो अपन जो मेडिसिन काम में लेते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरेन, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स लुई, बिल्कुल सही है, लुइस अल्फोंस आपका राइट आंसर बनेगा, लुइस अल्फोंस। अगला क्वेश्चन, सबसे कमजोर बंध कौन सा है, वीकेस्ट इन नेचर, देखिए ऑप्शन में से सबसे वीकेस्ट कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे वीकेस्ट कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन आपका आसानी से विस्थापित हो जाता है, जिसके साथ में भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो आसानी से रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपका सबसे वीक बॉन्ड है। ओके, और सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है आपका न्यूक्लियर बॉन्ड होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है सबसे स्ट्रांग होता है। जीवाणु की खोज किसने की, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई, देखिए ऑप्शन में से, तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा लीवेनहॉक, ऑप्शन नंबर ए लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया जीवाणु की खोज की थी, इवान वॉस्की ने वायरस विषाणु की खोज की थी। संगमरमर चट्टाने किस कैटेगरी में आती है, ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया क्या आपका, ओके, मेटामॉर्फिक या कायंत्रित, मार्बल किस में आता है, मार्बिक आता है आपका, मार्बल आता है आपका कायंत्रित चट्टानों की कैटेगरी में।
ऑप्शन नंबर सी कायंत्रित मेटामॉर्फिक। आगे का क्वेश्चन आपका जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ईसीजी है, इसका इन्वेंटर कौन है, ईसीजी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, ईसीजी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो आंसर बनेगा यहाँ पे विलियम एंथोवेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए विलियम एंथोवेन के द्वारा, ईसीजी का आविष्कार विलियम एंथोवेन, विलियम एंथोवेन। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा संघ रज्जुकी से संबंधित जानवरों के लिए सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेट। तो कॉर्डेट संघ से संबंधित या रज्जुकी संघ से संबंधित जानवरों के लिए सही नहीं है। बात हो रही है इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ओके, इनके अंदर आपका जो ग्रसनी है वो परफोरेटेड बाई गिल स्लिट्स, ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, इनका जो हृदय है पृष्ठ भाग में होता है, ओके, और एक गुदा पश्च पुच्छ उपस्थित होता है, ए पोस्ट एनल पार्ट इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो भी आपका कॉर्डेटा फाइलम है उनके बारे में सही नहीं है, तो चार में से तीन स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, एक सही नहीं है। आंसर बनेगा यहाँ पे आपका जो हार्ट वाला है ये सही नहीं है। तो यहाँ पे कॉर्डेटा के बारे में सही क्या क्या है, इनके अंदर आपका जो नोटोकॉर्ड है प्रेजेंट होता है, पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, इसके ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। देखिएगा ये ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन को भी रट लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन से कितने ज़्यादा अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, जरूरी नहीं आपके पास में सेम टू सेम क्वेश्चन आए। अब जैसे सिंपल सा इसी पे आधारित एक क्वेश्चन बन सकता है कि कॉर्डेटा होता है फाइलम होता है उसमें क्या ये प्रेजेंट होते हैं क्या, तब आप कहोगे बिल्कुल पृष्ठ रज्जु प्रेजेंट होता है। तो इनके जो ऑप्शन आ रहे हैं अपने जो क्वेश्चन है बाइलिंगुअल, इनके ऑप्शन भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके अंदर आपका जो हार्ट है पृष्ठ भाग में उपस्थित होता है, ये आपका गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी चार्ज की वैल्यू दे रखी है 500 कूलम, यहाँ पे समय आपको दे रखा है 25 सेकंड, आपसे पूछा गया धारा की वैल्यू कितनी होगी। तो धारा के लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हो I बराबर क्यू बाई टी का, ओके, आवेश के प्रवाह की रेट को अपन विद्युत धारा कहते हैं, तो 500 अपॉन में 25 यानी आपका राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे 20 के साथ में, ऑप्शन नंबर बी 20। अगला है कि सिंपल सा न्यूमेरिकल और दे रखा है आपको, यहाँ पे L की वैल्यू दे रखी है आपको 20 मीटर, L की वैल्यू आपको 20 मीटर दे रखी है, प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको मेगा ओम में, R की वैल्यू ज्ञात करनी है मेगा ओम, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर, प्रतिरोधकता आपको दे रखी है यहाँ पे 200 ओम इनटू मीटर। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले साइंस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको SI यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है, ओके, तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी आपकी 1/100 × 1/100, अब बन जाएगी आपकी वर्ग मीटर में, क्लियर है। यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर था, इसके नीचे मैंने 1/100 × 1/100 कर दिया, तो 1 वर्ग मीटर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे आई थिंक आप लोग कर लोगे इस कैलकुलेशन को, रो की वैल्यू आपके पास में आ गई है 200 ओम इनटू मीटर है, एल आपका मीटर में है, सब कुछ आपकी यूनिट हो गई, सिंपल सी कैलकुलेशन है, फॉर्मूले में रख दीजिएगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, आंसर बन जाएगा यहाँ पे 40 इसका। आगे का क्वेश्चन आपका कि सिजगी क्या है, देखिए ऑप्शन में से सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में स्थित हैं, सूर्य मून और अर्थ एक ही रेखा में उपस्थिति, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। सिजगी क्या है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। आगे क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं। एन इमेज फॉर्मेट बाई प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को भी इमेज बनाता है और उसको अपन स्क्रीन के ऊपर प्राप्त नहीं कर सकते, तो यही सिंपल सी डेफिनेशन बनती है। यदि किसी इमेज को अपन स्क्रीन के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सिनेमा के कैटेगरी के अंदर होता है, सिनेमा में अपन इमेज को पर्दे के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं, तो वो आपकी वास्तविक की कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन किसी इमेज को यदि अपन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते तो वो आपकी काल्पनिक की कैटेगरी में आ जाती है। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा काल्पनिक या आभासी या वर्चुअल, एक ही बात है, वर्चुअल बोल दीजिएगा, काल्पनिक बोल दीजिएगा, आभासी बोल दीजिएगा। चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसका एग्जाम्पल है। मैग्नेट आपका फोर्स लगाता है तो वो नॉन कॉन्टैक्ट होता है, मस्कुलर होता है, या आपका कॉन्टैक्ट होता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चुंबक जो भी फोर्स लगाता है, चुंबक जो फोर्स लगाता है वो आता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट की कैटेगरी में। नॉन कॉन्टैक्ट चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल है, तो आपके कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक आप एक दूसरे पर फोर्स लगा देंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है अपोजिट के बीच में। वह परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, पीछे वाला क्वेश्चन था नॉट परिवर्तन, इस बार क्वेश्चन पूछा गया कि भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है वह क्या कहलाता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ नहीं पूछा गया, आपसे परिवर्तन की डेफिनेशन पूछी गई है। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज।
ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, फिजिकल चेंज। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो ये तो याद हो गया होगा, गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर है गैल्वेनाइजेशन। किस पारिस्थितिक रूप से सबसे ज्यादा प्रशासनिक पर्यावरणीय कारक है? विच इज द मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। मोस्ट रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर कौन सा है? मोस्ट रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर कौन सा है? जल, तापमान, प्रकाश या मिट्टी। तो मोस्ट रिलेवेंट आपका एनवायरमेंट फैक्टर है वो आपका टेम्परेचर है, ऑप्शन नंबर बी। दो विभिन्न माप वाले युग्मकों के संगलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एल्गी दैट टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन अप टू डिसिमिलर साइज गैमेट्स। टू डिसिमिलर साइज गैमेट्स, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, डिसिमिलर है यहाँ पे, सिंपल सी टर्म्स पढ़ लीजिएगा, डिसिमिलर है तो डिसिमिलर है तो उनको आप क्या बोलोगे? असम युग्मकी, असम युग्मकी। और ये सिमिलर होते तो अपन कह देते इनको आइसोगेमस, और यहाँ पे हो जाएगा एनिशोगेमस, असम युग्मकी। यदि डिसिमिलर है तो असम युग्मकी, और सिमिलर है तो आपका बन जाएगा सम युग्मकी। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें क्या कहते हैं? जहाँ पे आपकी कैविटी अब्सेंट होती है, बॉडी कैविटी आपकी अब्सेंट होती है। नहीं बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल सही है, ओके है एवरीथिंग, ओके। तो यहाँ पे जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उनको अपन कहते हैं एगुइए या एकोले मैट्स, एगुइए। आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में, जहाँ पे बॉडी कैविटी अब्सेंट होती है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए बल के लिए त्वरण वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए गति का जो पहला नियम है, गति के पहले नियम से आपको क्या प्राप्त होता है? गति के पहले नियम से आपको प्राप्त होती है परिभाषा। गति के पहले नियम से आपको परिभाषा मिलती है, किसी बल की परिभाषा मिलती है। गति के दूसरे नियम से आपको बल का सूत्र मिलता है। फॉर्मूला कहाँ से मिलता है? गति के दूसरे नियम से मिलता है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एक्सीलरेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो सिंपल सी बात है, एफ बराबर एम इंटू ए होता है, तो एक्सीलरेशन फोर्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ए इक्वल टू बन जाएगा एफ बाई एम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके बन जाएगा यहाँ पे? मास के। बिल्कुल सुमन भौजी, जय भीम। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में, कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं? अपना जो भी इलेक्ट्रिक आयरन हीटर होता है वहाँ पे जो भी आपका फिलामेंट है वो किससे मिलके बना होता है? अच्छा यहाँ पे सिंपल से डेफिनेशन पूछी गई, उस फिलामेंट को अपन क्या बोलते हैं? ओके, तो इसे अपन एलिमेंट बोलते हैं। द कोयल वायर इन द इलेक्ट्रिक रूम हीटर और इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर इज कॉल्ड। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को एलिमेंट माना गया, यहाँ पे एलिमेंट माना गया यहाँ पे, ना कि फिलामेंट माना गया यहाँ पे। ओके, इस क्वेश्चन को कन्फर्मेशन करना 100% के साथ में। कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग आने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अपन एलिमेंट कहते हैं क्या? ओके, बल्ब में फिलामेंट कहते हैं अपन, बल्ब में अपन फिलामेंट कहते हैं, बल्ब में अपन फिलामेंट बोलते हैं, तंतु बोलते हैं, जो आपका प्रकाश देता है। यहाँ पे भी प्रकाश देता है बल्ब वाला, आपका किससे मिलके बनता है? टंगस्टन से। ये आपका मिलके बनता है नाइक्रोम से। हीटर में अपन काम में लेते हैं नाइक्रोम एलिमेंट। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? कोई भी चालक द्रव्य है, चालक द्रव्य बोले तो आपका NaCl है, NaCl में से आपकी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो पांच चीजों पर इलेक्ट्रिक करंट थ्रो एक कंडक्टिंग लिक्विड है, वह भी सॉल्यूशन से आपकी करंट प्रवाहित हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपकी केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन बोले तो आयंस में टूट जाएगा आपका सॉल्यूशन। आंसर बन जाएगा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन में से किस वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध है? कौन से सॉफ्टवेयर आपके निःशुल्क उपलब्ध है और इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है? Which type of software are freely available and can be edited and customized by anyone? तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका ओपन सोर्स, यहाँ पे फ्री आ रहा है, आंसर हो जाएगा आपका ओपन सोर्स के साथ में, ऑप्शन नंबर बी ओपन सोर्स आपका यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसको समुद्र जल के वाष्पण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? समुद्र का जल होता है उसको आप वाष्पित करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? समुद्र के जल को वाष्पित करोगे तो आपके पास में क्या देखने को मिलेगा? आपके पास में नमक आएगा समुद्र के पानी से, NaCl। जैविक नाम प्राय किस भाषा से प्राप्त होते हैं? बायोलॉजिकल नेम्स हैं
वो बताना कि कौन सी लैंग्वेज से प्राप्त होते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स कौन सी लैंग्वेज से प्राप्त होते हैं, फ्रेंच, लैटिन, मैक्सिकन या जर्मन। बायोलॉजिकल नेम कौन सी लैंग्वेज से प्राप्त होते हैं, तो आंसर बनेगा यहाँ पे आपका लैटिन लैंग्वेज के साथ में ऑप्शन नंबर बी, लैटिन लैंग्वेज। रोडोफाइसी ये आपका सेवल की कैटेगरी में है। अभी अभी अपन ने पीछे देखे थे, तीन टाइप देखे थे जिसमें आपका रोडोफाइसी के सदस्य को प्रहे कौन से सेवल कहते हैं। द मेंबर ऑफ द रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड विच टाइप ऑफ एल्गी, लाल, हरा, भूरा, नीला, पीला। तो रोडोफाइसी आपका रोडो टर्म से ही पता चल रहा है आपका, रोडो रेड है, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे लाल, ऑप्शन नंबर सी लाल। अगला क्वेश्चन आपका कि जो मेडुसा और पॉलिप इनको अपन क्या बोलते हैं, ओरेलिया और एडमसिया, ये दोनों के दोनों कौन से संघ के एग्जाम्पल हैं। ये अभी तक अपन जो क्वेश्चन चल रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं अब तक के जितने भी हैं, ओके, एसएससी के, रेलवे के, ऑनलाइन एग्जाम्स के सभी क्वेश्चन अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ओरेलिया और एडमिशिया किस संघ के एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका सिलेंट्रेटा, ऑप्शन नंबर सी सिलेंट्रेटा संघ के एग्जाम्पल है। तो जितने भी संघ हैं उनके एग्जाम्पल्स जरूर रट के जाइएगा एग्जाम में। जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा नष्ट हो जाती है। मशीन का उपयोग करें घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा नष्ट हो जाती है, यह ऊष्मा किसके कारण उत्पन्न होती है, तो सिंपल सी बात है घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा, ऑप्शन में क्वेश्चन में ये आंसर दिया हुआ है घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा होती है वो। अगला क्वेश्चन, इंसिडेंट रे, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण और कौन सा है जो एक ही तल में होते हैं। आपके आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु और ये क्या कहलाता है जो सभी के सभी एक ही तल में होते हैं, ये कहलाता है नॉर्मल। ये क्वेश्चन पूछा गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, नॉर्मल, सभी के सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए ऑप्शन में से आपको बताना कि किसको अपन तूतिया, किसका अन्य नाम है, तूतिया बोले तो ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल बोले तो नीला थोता, एक ही बात है, नीला थोता, ब्लू विट्रियोल या तूतिया किसका दूसरा नाम है बताइएगा। नीला थोता अपन किसको बोलते हैं, नीला थोता बोला जाता है CuSO4.5H2O को बोला जाता है, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक के साथ में कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। बिल्कुल इवनिंग वाला सेशन तो बहुत ही शानदार जाने वाला है क्योंकि इससे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो मैक्सिमम हाई लेवल है। मैक्सिमम हाई लेवल का मतलब इंजीनियरिंग जैसे रेलवे CBT1 में जो क्वेश्चन पूछ लिया तो उससे हाई लेवल तो हो ही नहीं सकता, NTPC और ग्रुप डी एग्जाम में। तो वो कंप्लीट पेपर आएंगे शाम को डेली, उसका एक वीडियो अपलोड होगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, वो मैक्सिमम हाई लेवल होगा। माचिस को रगड़ने वाली सतह पर चुनित कांच और थोड़ा लाल लगाते हैं। द रबिंग सरफेस ऑफ ए मैच बॉक्स हैज पाउडर्ड ग्लास एंड ए लिटर रेड। माचिस की रगड़ने वाली सतह, माचिस के ऊपर आपने जो सतह देखी है जहाँ पे रगड़ा जाता है उसके ऊपर चुनित कांच और थोड़ा लाल है, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस का माचिस की तीलियों में यूज लिया जाता है। कुछ जीव तापमानों के व्यापक प्रास सहन कर सकते हैं, उसमें खूब बढ़ते हैं, ये कहलाते हैं। आपके कुछ जीव है टेम्परेचर की वाइड रेंज को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर है उसको आसानी से सहन कर सकते हैं और ऐसी कंडीशन में भी वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, ओके। मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो उसको भी, रेंज पूछा गया यहाँ पे, ध्यान देना वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब यहाँ पे है रेंज का मतलब हो गया, वाइड रेंज का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस, यानी हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो दोनों टेम्परेचर कंडीशन में वो आसानी से रह सकते हैं और अच्छे से प्रोग्रेस भी कर सकते हैं, तो उन्हें कहा जाता है यूरोथर्मल। पृथु ताजापी, ऑप्शन नंबर बी यूरोथर्मल। अगला क्वेश्चन, और वैसे भी नहीं थर्मल सब में आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था। अभी वेलक्रो क्या होता है, वेलक्रो का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर किया गया मेस्टरल के द्वारा, और ये होता है आपका वेलक्रो, इसके चिप जाता है और वापिस से उखड़ जाता है, आपने देखा होगा बेल्ट टाइप से, इसको अपना बोलते हैं वेलक्रो। इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार करता है आपके मेस्टरल, वेलक्रो मेस्टरल, जॉर्ज डी मेस्टरल। अगला क्वेश्चन आपका, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है। अपनी आंख के ऊपर जो रेटिना है उसके जो भी इमेज बनती है उसका इफेक्ट कितने समय तक रहता है, रेटिना पे जो इमेज बनती है उसका इफेक्ट कितने समय तक रहता है, 1/16, 1/16, ध्यान रखना 1/16। एक क्वेश्चन आता है कि ब्रेन में अपनी जो साउंड है कितने समय तक रहती है, वो रहती है 0.1 सेकंड तक, और यहाँ पे सेकंड है, अभी सेकंड को कन्वर्ट कर सकते हो आप, 1/16 ये सेकंड में है,
तो 0 पॉइंट में कितनी आई वो देख लीजिएगा। ओके 1/16 सेकेंड है, मिनट में पूछे क्या पूछे उस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आपसे पूछा गया कि आपकी जो स्टारफिश है, आपकी या जो समुद्री अर्चिन है, या आपकी जो समुद्री लिपि है, ये सभी के सभी किस संघ के एग्जाम्पल हैं। एस्टेरिस, एकाइनस, एंटीडोन, ये सब किस संघ के एग्जाम्पल है। तो एकाइनोडमेटा, एकाइनोडमेटा आपका यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है। एकाइनोडमेटा ऑप्शन नंबर है। एक समान गुण जैसे पृष्ठरज्जु नोटोकार्ड, एक समान जैसे नोटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर प्राणी जैसे कि मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, मैमल्स, इनको किस संघ में रखा गया है। बेस्ट ऑन द कॉमन फीचर, कॉमन फीचर क्या क्या है इनकी, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये कॉमन फीचर है इन सब के अंदर, चाहे आपका मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, मैमल्स, इन सब के अंदर ये कॉमन फीचर आपका नोटोकॉर्ड वाला। और कौन सा इनके अंदर है, इनके अंदर है खोखला तंत्रिका तंत्र। इनके आधार पर प्राणियों को किस कैटेगरी में रखा गया है, इनको रखा गया है कॉर्ड डेटा की कैटेगरी में, ऑप्शन नंबर बी, कॉर्ड डेटा कैटेगरी में, ऑप्शन नंबर बी। ओके इस आधार पर, किस आधार पर, खोखला तंत्रिका तंत्र और आपका नोटोकॉर्ड के आधार पर इन सबको किस संघ में रखा गया है, इनको कॉर्ड डेटा के संघ में रखा गया है। निम्न में से एसिटिक अम्ल किसका अन्य नाम है, एसिटिक अम्ल किसका दूसरा नाम है दिए गए ऑप्शन में से, तो एसिटिक अम्ल आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा सिरका, विनेगर का, ऑप्शन नंबर ए। कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और क्या बनता है। कॉपर सल्फेट है आपके पास में, उसकी यदि आप लोहे के साथ में रिएक्शन करवाते हो, कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन करवाते हो, तो आपके पास में आता है एक तो आयरन सल्फेट आता है, FeSO4 आता है, प्लस क्या देखने को मिलेगा आपके पास में, तो ऑब्वियसली आपके पास में कॉपर आ जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर डी कॉपर। आगे का क्वेश्चन आपका है कि कौन सा एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। कलर भी ध्यान रखना, इसका कलर कैसा होता है, कौन सा आपने ब्लड के अंदर एक पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है, पीले रंग का, जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है आपका 55% होता है, कलर होता है इसका पीले रंग, गाढ़ा तरल। दो समान ताप वाले, पिछली बार क्वेश्चन आया था असमान वाले, इस बार क्वेश्चन आ रहा है आपका समान, समान माप वाले युग्मकों के शलयन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी दैट टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर साइज गेमेट्स, पीछे वाला क्वेश्चन था डिसिमिलर, यहाँ पे आया सिमिलर, और सिमिलर वाले को अपन कहेंगे आइसोगेमस, अगर सिमिलर आता है तो आइसोगेमस और आपका डिसिमिलर आता है तो अनआइसोगेमस। जिन प्राणियों में कोशिकाएं तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित है, थ्री एम्ब्रायोनिक लेयर्स में, वह प्राणी जिनमें जो भी इनका जो शरीर है कोशिका है तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित है, तो उनको कहेंगे अपन त्रिकोर्की, ऑप्शन नंबर सी ट्रिपोब्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ क्या होता है। कॉन्स्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड से कोई गति कर रही है, कॉन्स्टेंट स्पीड से गति कर रही है, तो उसे अपन ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, सीधी लाइन बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसका तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। विच थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर, स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, तो स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपका किसका वायर, किसका रेसा, वुल का, कॉटन का, जूट का, या नायलॉन, तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नायलॉन। किसका रेसा स्टील के रेसे से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आंसर बनेगा यहाँ पे नायलॉन। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइएगा, आंसर बन जाएगा यहाँ पे, देखिए मिलता जुलता ऑप्शन है, जल्दबाजी में गलती कर बैठोगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहती है ना। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित वस्तु की परत, वांछित धातु की परत को निक्षेपित करने की प्रक्रिया कहलाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल आपका जितना भी स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। थ्रो फोटोसिंथेसिस एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई, पृथ्वी पर जितना भी CO2 है उसका आधा भाग फोटोसिंथेसिस के द्वारा कौन स्थिर करता है, तो आंसर बनेगा यहाँ पे एल्गी शैवाल, देखिए ऑप्शन में से एल्गी शैवाल, जितना भी CO2 है उसका आधा परसेंट, आधा तो कौन ही कर देता है, शैवाल ही कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा, ये सभी के सभी किस संघ के एग्जांपल हैं। टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा,
सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं? तो सभी के सभी आपके आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हैं, ऑप्शन नंबर सी आर्थ्रोपोडा। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्त के अंदर एक समान किससे चलेगी? चाल से, समय से, वेलोसिटी से, एक्सीलरेशन से। एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड क्या रहेगी उसकी? तो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर सर्किल के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो इसको अपन कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब क्या होता है? रिफ्लेक्शन फॉर्मेड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आपकी हमेशा किस प्रकार की इमेज बनाता है? प्लेन मिरर हमेशा आपका किस प्रकार का इमेज बनाता है? प्लेन, तो प्लेन आपका हमेशा लेटरल इन्वर्जन, जैसे कि अपन डेली बेसिस के ऊपर काम में लेते हैं अपने घरों के अंदर, लेटरल इन्वर्जन जिसमें आपका लेफ्ट राइट में होता है, राइट लेफ्ट में होता है, पार्श्व परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी लेटरल इन्वर्जन। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? विनेगर और बेकिंग सोडा CH3COOH और आपका NaHCO3, इनकी रिएक्शन से क्या बनता है? इनकी रिएक्शन से आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिएगा कार्बन ही कार्बन, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहा है। कॉपर देखिएगा कहीं पे भी अपनी रिएक्शन में कॉपर नहीं है। मैग्नीशियम में भी अपनी कॉपर नहीं है, कॉपर यहाँ पे भी कहीं पे भी नहीं है, आंसर बनेगा CO2। लवण की सांद्रता समुद्र में होती है। पीछे वाला क्वेश्चन क्या था? पीछे वाला क्वेश्चन था इनलैंड वाटर पे, इनलैंड वाटर में, जिसमें अपन ने किया था कि 5%। पीछे वाला क्वेश्चन था इनलैंड वाटर पे। मौजी गुड मॉर्निंग, कहाँ रह रहे हो आजकल? नींद पूरी नहीं होती क्या, लेट उठते हो? लवण की सांद्रता समुद्र में पूछी गई इस बार, तो समुद्र में होती है आपकी 30-35%। और पीछे क्वेश्चन आया था जिसमें था इनलैंड वाटर, जहाँ पे अपन ने 5% टिक लगाया था, तो समुद्र के पानी में होता 30-35%। महिलाओं में उदर के निचले भाग के दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं बताइएगा? देखिए इन फीमेल्स द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, कितना किस पर टिक लगाओगे इस पे? जल्दबाजी नहीं करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है फिर आंसर देना है। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा ईच साइड लिखा है, यहाँ पे ईच साइड लिखा है, ओके। तो ईच साइड की वजह से अपन टिक लगाएंगे एक के ऊपर, एक होता है ईच साइड, तो टोटल दो, ओके ईच साइड। इस तरीके से एग्जाम में जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपके, ईच साइड एक तो टोटल दो। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि विच आर डिफाइंड एज द मास मोमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस आर अर्थ डाउन एज स्लॉफ। देखिए ऑप्शन में से किसको सामान्य रूप से सेवाल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है? यहाँ पे आंसर बनेगा लैंडस्लाइड, भूस्खलन। भूस्खलन को सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जल्द रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया? वो इन्वेंटेड द वाटर प्रूफ रेनकोट, महेंद्र कुमार सैनी जी कोलीवाड़ा, वेलकम। आंसर बनेगा यहाँ पे चार्ल्स मैकिंटोश। रेनकोट, वाटर प्रूफ रेनकोट का इन्वेंटर कौन है? मैकिंटोश। तो काफ़ी ज़्यादा जितने भी इन्वेंटर हैं वो जरूर देख के जाइएगा। नियोन की खोज किसने की? नियोन के इन्वेंटर कौन है, खोजकर्ता कौन है? नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। ग्रीन हाउस उसकी कैटेगरी में आती है, नोबल गैस की कैटेगरी में आती है, अक्रिय गैस की कैटेगरी में आती है, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 0 में उपस्थित होते हैं नियोन, बल्ब के अंदर भरी जाती है आपकी। यहाँ पे आंसर बन जाएगा यहाँ पे W ट्रेवरस विलियम रामसे, दो कैंडिडेट है, दोनों के नाम ध्यान में रखना, ट्रेवरस और रामसे, नियोन ट्रेवरस एंड रामसे, ट्रेवरस एंड रामसे। अगला क्वेश्चन आपका क्रिस्टलीकरण किसका एग्जाम्पल है? क्रिस्टलाइजेशन किसका एग्जाम्पल है दिए गए ऑप्शन में से? क्रिस्टलीकरण किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन या गैल्वेनाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन किसका एग्जाम्पल है बताइएगा? क्रिस्टलाइजेशन किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज। क्रिस्टलीकृत फॉर्मूला, जैसे कि आप किसी का भी क्रिस्टलीकृत फॉर्मूला ले लीजिएगा, जैसे कि बात करें आप कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकृत फॉर्मूला, जैसे कि आपके पास में कॉपर सल्फेट है,
इसका क्रिस्टलाइजेशन क्या बनेगा, C1SO4 5H2O। तो रहेगा तो वही ना, ओनली इसकी अवस्था तो चेंज हो रही है। क्रिस्टलाइजेशन में आपके पास में यहाँ पे लिक्विड देखने को मिलेगा, ओनली फिजिकल चेंज होता है, बाकी प्रॉपर्टीज आपकी वही देखने को मिलती है इसमें। क्लोरोफाइसी देखिएगा, ये सेवाल है। क्लोरोफाइसी सदस्य को प्राय किस प्रकार के सेवाल कहते हैं, पीछे अपने देखा था रोडोफाइसी आपका लाल कलर का होता है, रोडोफाइसी लाल कलर का होता है, क्लोरोफाइसी हरा कलर होता है। दोनों क्लियर हो गए, क्लोरोफाइसी हरा कलर। मिजोड्रम से आच्छादित शरीर गुहा को क्या कहते हैं, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मेजोड्रम। मिजोड्रम से आच्छादित शरीर गुहा को क्या कहा जाता है, आंसर बनेगा यहाँ पे कोलम, प्रगुआ, ऑप्शन नंबर ए प्रगुआ। मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को क्या कहते हैं, मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को कहा जाता है प्रगुआ। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तल और अवतल दर्पण दोनों किसके एग्जाम्पल है, कन्वेक्स और कनकेव दोनों किसके एग्जाम्पल है, समतल, गोलीय, उल्टा या सीधा, दोनों किसके एग्जाम्पल है, दोनों के दोनों आपके गोलीय या स्फेरिकल मिरर के एग्जाम्पल है। स्फेरिकल मिरर आपके दो भाग होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। अगला क्वेश्चन, तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाई फ्लूड इज कॉल्ड। बताएगा देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दो भी सरफेस होते हैं, सॉलिड सरफेस के बीच में जो भी फोर्स लगता है उसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शन, और लिक्विड के बीच में लगता है तो उसको बोलते हैं अपन कर्षण, ड्रैग, लिक्विड के बीच में ड्रैग बोलते हैं अपन, ऑप्शन नंबर ए। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है, जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ, तो वो कहलाती है केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी केमिकल रिएक्शन। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट पीट कर परिवर्तित सीट में परिवर्तित किया जाता है, और ये क्वेश्चन पीछे आया था, किसको तार में बदला जाता है तो वो क्या कहलाती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, तार वाली प्रॉपर्टीज अपन ने टिक लगाया था डक्टिलिटी, तन्यता पे। अब पूछा गया कि वह गुण जिसने पीट कर सीट में परिवर्तित किया जाता है, सीट के लिए अपन लगाएंगे यहाँ पे आघात वर्धनीयता, मेलेबिलिटी। ये क्वेश्चन अभी तो आपको थोड़ा सा ईजी लग रहा है, यहाँ पे अगर इनका इंग्लिश टर्म भी ऐसा ही लिख दिया तब आप थोड़ा बहुत सस्पेंस पैदा हो सकते हो थोड़ा, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन गलत होने लायक क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, ठीक है, ठीक है। जिस तरीके से सड़क पे लिखा हुआ था ना, धीरे चलो दुर्घटना वाली जगह है ना, तो वैसे ही ध्यान रखना, ये भी आपका एग्जाम में दुर्घटना करा सकता है अगर इनको भी डक्टिलिटी मेलेबिलिटी लिख दिया तो। किस जाति के वेष्टियों की संख्या वह है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेसीज, इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज, सेम जाति, सेम स्पेसीज दैट हैव कम इन टू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर, जो कहीं दूसरी जगह से किसी जगह पे आए हैं, तो इस प्रकार का क्या कहलाता है, दैट टाइम पीरियड अंडर द कंसिडरेशन। पीछे क्वेश्चन आया था किसी समय के अंदर मरने वाले व्यक्तियों को अपन क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं, और कहीं दूसरी जगह से आ रहे हैं किसी सेम समय के अंदर सेम जाति, तो उन्हें कहते हैं इमिग्रेशन, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये तो आने वाले हो गए, ये तो आने वाले हो गए, जैसे कि दूसरे देश से आने वाले हो गए, ये इमिग्रेशन, ये जाने वाले हो गए। ओके, ये आपकी जन्म दर, ये मृत्यु दर, तो इन्हीं पर आधारित चार क्वेश्चन आपकी इस ऑनलाइन एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट के अंदर चार क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। विद्युत की खोज किसने की और तड़ित चालक और दी फॉक्सी का आविष्कार भी किया, तो बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया गया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, लाइटनिंग का हो गया, और बाइफोकल लेंस हो गया, इन सब का इन्वेंटर कौन है। इलेक्ट्रिसिटी की तो खोज की और इनका आविष्कार किया, देखिएगा यहाँ पे दो चीज आ रही है, एक तो टर्म्स आ रही है यहाँ पे खोज जिसको अपन कहते हैं डिस्कवर्ड, एक यहाँ पे टर्म्स आ रही है आविष्कार, इन्वेंटर, इनमें बीच में डिफरेंस तो समझते हो। खोज तो क्या होता है, जैसे कि पहले से कोई उपस्थिति नहीं हो उनको खोजा गया है, पहले कोई संभावना नहीं थी, और आविष्कार का मतलब किन्हीं चीज़ों का सपोर्ट करके यूज करके किसी चीज़ का निर्माण करना, तो यहाँ पे सबको पता है इसका आंसर, आंसर बन जाएगा यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन, इन फीमेल्स द यूट्रस इज, महिलाओं में गर्भाशय की संख्या कितनी होती है, और पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, ओवेरीज का पूछा गया था कितने होते हैं टोटल, दो, ईच साइड वन, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा सिंगल, यूट्रस सिंगल। अगला क्वेश्चन, कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिएगा क्लोरोफाइसी के सदस्य को हरा शैवाल कहते हैं,
अपन पढ़ चुके हैं, अपने को याद भी हो गया होगा अब तो, है ना। कलर ऑफ फाइसी के सदस्यों को अपन हरा शैवाल कहते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कि जो फियो फाइसी है इनके सदस्य को लाल शैवाल कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि रोडो फाइसी के सदस्य को लाल शैवाल कहते हैं। यहाँ पे है कि फियो फाइसी के सदस्य को भूरा शैवाल कहते हैं। आई थिंक जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा इजी है। आज वाला ही सेट यदि आपने शुरू से देखा तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल सही से लगाओगे। कौन सा सही नहीं है तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा फियो फाइसी के सदस्य को लाल शैवाल, ये गलत हो जाएगा। तो देखिएगा शैवालों के तीन टाइप है, तीनों टाइप कौन कौन से हैं। पहला आपका क्लोरोफाइसी है, दूसरा आपका फियोफाइसी है, तीसरा आपका रोडोफाइसी है। तीनों के कलर दिए गए हैं यहाँ पे। फियोफाइसी को अपन ब्राउन कहते हैं, रोडोफाइसी को अपन रेड कहते हैं, क्लोरो को अपन ग्रीन कहते हैं। आई थिंक ये सब कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं अब तक। समुद्र एनिमोन और समुद्री पिच ये किस संघ के एग्जाम्पल है? एडमेशिया एंड आपका पेनेटुला, ये दोनों के दोनों कौन से संघ के एग्जाम्पल है? समुद्र एनिमोन और समुद्री पिच, तो ये आपके एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा के, ऑप्शन नंबर है सिलेंट्रेटा। अगला क्वेश्चन आपका, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति, पीछे यही क्वेश्चन आया था, बल इधर लग रहा है और मोशन आपका इधर है, तो पहला उसमें था कि स्पीड डाउन हो जाती है। अब की बार क्वेश्चन है बल इधर लग रहा है, मोशन भी आपका इधर हो रहा है, तो स्पीड आपकी बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर ए। नितिन जी एक बार बढ़ा के देखिएगा फॉन्ट साइज, और थोड़े दिन की दिक्कत है, अपन 5-7 सेट और करेंगे, उसके बाद में अपने टेक्स्ट में आ जाएंगे ये क्वेश्चंस। अभी तो ये क्या है कि अपन ने पेपर से कॉपी पेस्ट कर रखा है, इस वजह से थोड़ा धुंधा हो सकता है, बाकी 5-7 सेट के बाद में अपने टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से क्लियर देखेंगे आपको। कान के बाहरी भाग की आकृति कैसी होती है? तो आंसर बनेंगे आप कीप जैसी, किम्मा जैसी होते हैं, ओके। जिस तरीके से अपन ऑयल केरोसिन ऑयल वगैरह डलवाते हैं, कीप फ्यूनल जैसी होती है। कान के बाहरी भाग की आकृति कैसी होती है? तो आंसर बनेगा कीप। किससे बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती? रिंकल्ड। किसके अंदर सिलवटें आसानी से नहीं पड़ती? सिलवटें नहीं पड़ती, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा यहाँ पे पॉलिस्टर से बने, ऑप्शन नंबर डी पॉलिस्टर से बने, पॉलिस्टर। अगला क्वेश्चन आपका, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में परिवर्तित किया जाता है तो क्या बनता है? CO2 को लाइम वाटर चूने के पानी के अंदर प्रवाहित करोगे तो क्या बनेगा? कॉपर तो कहीं आ ही नहीं रहा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा क्या, मैग्नीशियम भी कहीं नहीं आ रहा, बेकिंग सोडा सोडियम भी कहीं नहीं आ रहा, तो आंसर बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दे सके इसका। देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर, लाइम वाटर आपका चूने का ही हो गया। देखिएगा कहीं पर भी कॉपर नहीं होगा, कहीं पर भी मैग्नीशियम नहीं होगा, कहीं पर भी सोडियम नहीं होगा। बेकिंग सोडा में क्या होता है? सोडियम होता है ना, सोडियम नहीं है, तो आंसर बनेगा यहाँ पे सिंपल सा कैल्शियम कार्बोनेट, CO2 प्लस आपका जो भी है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? तो आंसर बन जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रचुरता होती है? ये टर्म्स भी याद कर लीजिएगा, सियाल सीमा और निफे, सीक्वेंस है ये, है ना, पहली ऊपरी ऊपर सियाल, बीच में सीमा, नीचे नीचे आपकी निफे, यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी निफे। निम्न में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, फिनोल हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड एथेनॉल, कार्बोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका फिनोल, फिनोल है कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ में अपन सेट 11 समाप्त करते हैं, अपने 922 क्वेश्चंस अपने कवर हो चुके हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ओके, बाइलिंगुअल अपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं अभी तो, ओके, और जल्दी देखते हैं अपन जो हिंदी वाले क्वेश्चन सिंगल लैंग्वेज है उनका भी कुछ करें, ताकि रिवीजन अपना डबल पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन चलता रहे, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, इनको भी अच्छे से याद करते जाना, यानी वो एग्जाम में अपने को पहली बार देखने को मिले, अपन चकरा जाए, ओके। तो चलो धन्यवाद, थैंक यू भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं 9 बजे जीके क्विज के साथ में, धन्यवाद, थैंक यू।